हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट वन कॉस्ट एंड रेवेन्यू से ये वीडियो लेक्चर टॉपिक वन से है, जो है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत की संकल्पना एवं उसके विभिन्न प्रकार। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से है, इसको डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन सिंपल वर्ड्स, कॉस्ट इज मनी पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ साधनों या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग किया जाता है, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। इकोनॉमिक्स में ये फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन्हीं उत्पादन के साधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और प्रोड्यूसर के द्वारा इन साधनों को परचेज करने में जो भी कुछ खर्च एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे खर्चे उस वस्तु के उत्पादन की कॉस्ट कहलाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम आगे टॉपिक को स्टडी करेंगे। मेन टॉपिक पर जाने से पहले कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बनाने के लिए मैं इस लेक्चर की शुरुआत एक स्टोरी से करूंगी, और ये स्टोरी मिस्टर ए की है। मिस्टर ए का बचपन से सपना था कि वो फ्यूचर में बिजनेस करके मिलेनियर बने। कॉलेज एजुकेशन खत्म करने के बाद मिस्टर ए के पास दो करियर ऑप्शन थे, या तो वो बिजनेस कर सकते हैं अथवा जॉब में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी पर जॉब को रखा एंड सेकंड प्रायोरिटी पर बिजनेस को रखा, मींस फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन जॉब एंड सेकंड बेस्ट ऑप्शन बिजनेस। और उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसमें उनकी 50,000 सैलरी फिक्स की गई। तो इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने जॉब को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिजनेस में जाने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक ऑप्शन अवेलेबल हो और उन ऑप्शंस में से जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है उसको त्याग करके फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को ऑप्ट किया जाता है, तो ये चयन सिलेक्शन इस ऑप्शन की कीमत पर चुना जाता है। मींस मिस्टर ए बिजनेस को भी चुन सकते थे और जॉब को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टाइम में जॉब को प्रेफरेंस दिया, फर्स्ट ऑप्शन को चुनते हुए बिजनेस के ऑप्शन का त्याग कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड ऑप्शन के जो कि त्यागा गया है, सेक्रीफाइस किया गया है, की कॉस्ट कहलाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। माना कि जॉब में मिस्टर ए की सैलरी 50,000 है और उनका अनुमान है कि अगर वो बिजनेस करते हैं तो वो 60,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होने की वजह से उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पर जॉब को रखा और इसीलिए 60,000 अर्न करने के ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट त्यागे गए ऑप्शन की कॉस्ट है, मींस अवसर लागत सेकंड बेस्ट ऑप्शन को सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट कहलाती है। मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑप्शन दैट इज फॉरगो। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां से आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन कुछ समय बाद चूंकि मिस्टर ए का ड्रीम बिजनेस करना था, इसीलिए उन्होंने जॉब को छोड़ दिया और उन्होंने अपना खुद का कंपनी सेटअप करने का मूड बनाया। इसके लिए उन्होंने लैंड को परचेज किया, सेविंग करते हुए थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की, कैपिटल हो गया। इसके बाद मिस्टर ए की वाइफ ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनके बिजनेस में हेल्प करेंगी बतौर मैनेजर, तो इसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ को एग्री किया। लेकिन जब वो प्रोडक्शन में इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे या ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, मींस खुद के उत्पादन के साधन होंगे। तो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा जब उत्पादन की प्रक्रिया में सेल्फ ओन फैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, मींस उसके बदले उन्हें मार्केट से साधनों को परचेज नहीं करना होता, कोई पेमेंट नहीं करना होता है, तो ऐसे साधन कहलाते हैं इम्प्लिसिट फैक्टर्स, मींस अस्पष्ट साधन, और इन साधनों की जो मार्केट वैल्यू होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, मींस अस्पष्ट या सन्निहित लागत। इसको अस्पष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए मिस्टर ए को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, और अगर मिस्टर ए इन साधनों का प्रयोग अपने बिजनेस में नहीं करते तो वो किसी अदर प्रोड्यूसर को ये सुविधाएं देते और इसके बदले उनको पेमेंट मिलता। मींस अगर उन्होंने लैंड लिया है तो इस लैंड को वो रेंट पर देकर के रेंट प्राप्त कर सकते थे। अगर उन्होंने सेविंग करके पूंजी इकट्ठा की है तो इस पूंजी को वो बैंक में या किसी पर्सन को लोन के रूप में देकर के इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते थे। उनकी वाइफ अगर उनकी कंपनी में मैनेजर के रूप में काम नहीं करती और किसी अदर कंपनी में काम करती तो इसके बदले उनको सैलरी प्राप्त होती। तो इन साधनों का प्रयोग चूंकि वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं और इन संसाधनों को ये पेमेंट मार्केट रेट पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इनकी जो मार्केट रेट पर कीमत है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, मींस अस्पष्ट लागत कहलाती है। नाउ कंपनी को सेटअप करने के लिए कुछ और
साधनों की भी आवश्यकता है और इसके लिए मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया। लोन लेने के बाद उस लैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, मीन्स बिल्डिंग बनाई, इसके बाद उसका इंश्योरेंस कराया, पावर की व्यवस्था की, इसके साथ साथ वस्तु का उत्पादन करने के लिए मशीनरी, टूल्स, टेक्निक्स जो भी नीडेड है उनको अरेंज किया और इनको मिस्टर ए ने मार्केट से परचेज किया और उनको अरेंज करके कंपनी को एस्टेब्लिश किया और अब कंपनी उत्पादन करने के लिए तैयार है। इनका प्रयोग करने के लिए उन्होंने मार्केट रेट पर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज किया और इनको मनी के फॉर्म में पेमेंट दिया। तो ये सारे खर्चे कहलाते हैं स्पष्ट लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो को डायरेक्टली अदर फैक्टर प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए मिस्टर ए ने किया। तो हम देख सकते हैं कि एक कंपनी को सेटअप करने के लिए इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रूप में पैसा खर्च किया, लेकिन अभी कोई उत्पादन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए अभी उन्हें और खर्च करना होगा। तो वन एंड टू कैटेगरी के अंतर्गत जो भी कुछ खर्च किया उसका टोटल कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स स्थायी या स्थिर लागत, वो लागत जो उत्पादन स्टार्ट होने से पहले ही खर्च कर दिया जाता है। अब मिस्टर ए उत्पादन करना चाहेंगे तो इसके लिए वो फिर से खर्च करेंगे, किस रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, फ्यूल मींस जो भी पावर या फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा उस पर खर्च करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्च करेंगे, कच्चे माल को लाने और तैयार माल को मार्केट तक ले जाने के लिए, वस्तुओं के उत्पादन के लिए वो लेबरर्स वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे और अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर भी खर्च करेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन मार्केट में मिल सके। और इन सारे खर्चों को करने के बाद मिस्टर ए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। तो ये सारे खर्च जो उत्पादन नहीं है तब जीरो था, लेकिन जैसे ही कमोडिटी को प्रोड्यूस किया गया तो ये खर्च करने पड़े। तो ये सारे खर्च जो उत्पादन ना होने पर जीरो होते हैं, लेकिन जब उत्पादन किया जाता है तो ये खर्च होते हैं और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये खर्च भी बढ़ने लगते हैं। तो मिस्टर ए अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये खर्च जीरो होंगे, अगर वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो खर्च कम होंगे और जैसे जैसे वो इनका प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत, जो कि उत्पादन ना होने की स्थिति में जीरो होती है और जैसे जैसे उत्पादन होता है बढ़ती जाती है। तो ये सारे खर्च करके मिस्टर ए ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी पी को प्रोड्यूस किया। अब मिस्टर ए की फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से कुछ कार्य ऐसे होंगे जो रिस्की होंगे, जिसमें अधिक कष्ट होगा, असुविधा होगी, कुछ इजी होंगे जिनको करना आसान होगा और हो सकता है कुछ ऐसे हो जो मॉडरेट टाइप के फंक्शंस हो जिनको व्यक्ति थोड़ी सी दिक्कत के साथ कर सकता है। तो इस फैक्ट्री में कार्य करने वाले वर्कर्स जो कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें अलग अलग प्रकार का असुविधा, कष्ट, त्याग या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। भले ही इनकी मॉनेटरी कॉस्ट या मौद्रिक इनकम बराबर हो, परंतु इनके कार्य की विविधता के कारण इनके एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस अलग अलग हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए रियल कॉस्ट मीन्स वास्तविक लागत का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल ने दिया। तो रियल कॉस्ट किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की वो कॉस्ट है जिसमें किसी साधन के द्वारा किए जाने वाले त्याग, सेक्रीफाइस या एफर्ट्स या कष्ट या असुविधा को ध्यान में रखा जाता है। तो इस फैक्ट्री में जो वर्कर ज्यादा रिस्की जोन में काम करेगा, जिसके कार्य में ज्यादा मेहनत, ज्यादा सेक्रीफाइस, ज्यादा एफर्ट्स होंगे, तो उसकी रियल कॉस्ट अधिक होगी। और जो व्यक्ति इजिली ऑफिस में बैठ के केवल दूसरों को डायरेक्शन दे रहा है या उसके कार्य में एफर्ट्स या सेक्रीफाइसेस बहुत अधिक नहीं है, तो उसकी रियल कॉस्ट कम होगी। मीन्स किसी कार्य में जितना अधिक कष्ट, असुविधा या समस्या या दिक्कत या परेशानियां होती हैं या ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है, उस कार्य की वास्तविक लागत अधिक होती है, जबकि आसानी से संपन्न किए जाने वाले कार्यों पर रियल कॉस्ट कम होती है। तो ये रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मिस्टर ए इस उत्पादन को मार्केट में बेचने के बारे में सोचेंगे और वो इसकी कीमत उतनी रखना चाहेंगे जितने पर उनको कुछ नॉर्मल प्रॉफिट हो, ताकि उनको भले ही अत्यधिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त ना हो, परंतु नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ प्राप्त हो, ताकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए, प्रोडक्शन को जारी रख सके। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट के अंतर्गत इस नॉर्मल प्रॉफिट को भी कॉस्ट का पार्ट ही माना जाता है, लागत का अंग माना जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मिलना प्रोड्यूसर को मोटिवेशन देता है और वो बिजनेस को जारी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दें तो जो कॉस्ट आती है वो
इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है, आर्थिक लागत, मौद्रिक लागत या कुल लागत। तो टोटल कॉस्ट को हम या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो बाहर उसने पेमेंट किया है दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो उसके अपने खुद के साधन है उनकी मार्केट वैल्यू प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों का समेशन टोटल कॉस्ट कहलाता है। अब जब मिस्टर ए अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो उनके लिए पर यूनिट कॉस्ट का इम्पोर्टेंस होगा, मींस एवरेज कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक साथ लार्ज स्केल पर होता है बट सेलिंग सिंगल यूनिट में होती है और इसीलिए सिंगल यूनिट का कॉस्ट मींस एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मिस्टर ए टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट मींस सिंगल यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी और इसी कॉस्ट के बेस पर कंपनी की प्राइस एंड प्रोडक्शन मींस कीमत और उत्पादन का निर्धारण होगा। अब अगर मिस्टर ए कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करना चाहें तो एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मींस मार्जिनल और सीमांत कॉस्ट, किसी एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से जो टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है वो बढ़ी हुई कॉस्ट या कुल लागत एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है और उसे मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया और जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, तो पर यूनिट कॉस्ट मींस एवरेज कॉस्ट हो गया 1,000 रुपीज। अब अगर वो एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं मींस 101 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 1,12,000 रुपए अगर आता है तो इस केस में एक सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मार्जिनल कॉस्ट होगी टोटल कॉस्ट ऑफ 101 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट इक्वल टू 12,000। तो इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट भी प्राइस एंड प्रोडक्शन के डिटरमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इन्हीं दोनों कॉस्ट के आधार पर उत्पादन की मात्रा और कीमत का निर्धारण होता है। अब मिस्टर ए ने जहां पर अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया उसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी कंपनियां या फैक्ट्रीज थी, तो ये अदर कंपनीज और फैक्ट्रीज मिल करके उस एरिया को बहुत नॉइजी पॉल्यूटेड बनाने के साथ साथ लोगों में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर रही थी। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से बड़े पैमाने पर हानिकारक गैसेस एयर में जा रही, तो इस एरिया के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को शोरगुल दिन भर झेलना पड़ता है, पॉल्यूटेड एयर में रहना होता है और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना दूषित हो गया है जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज को फेस करना होता है और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं। तो इंडस्ट्री से बाहर सोसाइटी के लोगों के द्वारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चलते जिन परेशानियों समस्याओं का सामना करना होता है उनकी कॉस्ट सोशल कॉस्ट या सामाजिक लागत कहलाती है, जो कि सोसाइटी के लोगों को बियर करनी होती है। अब अगर मिस्टर ए को फ्यूचर में अपने बिजनेस में अधिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉस स्टार्ट हो गए हैं अथवा वो अपने बिजनेस को स्विच करना चाहते हैं तो ऐसे में वो प्रेजेंट बिजनेस को बाइंड अप करके नए बिजनेस की ओर जाएंगे और इस स्थिति में उनको हानियां नुकसान झेलने होंगे क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होंगी जिनको वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर जो पैसा खर्च किया है वो रिकवर नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इस बिजनेस में कुछ ऐसी मशीनरी टूल्स आदि का प्रयोग किया गया है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, मींस फर्दर वो बिजनेस में यूज नहीं होंगे। तो ऐसे सभी कॉस्ट जो किसी बिजनेस को बाइंड अप करते समय रिकवर नहीं की जा सकती है मींस डूब जाती है, संक कॉस्ट या डूबी हुई कॉस्ट कहलाती। तो इस एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को समझने की कोशिश की। नाउ वी विल स्टडी अवर मेन टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं और ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स के रूप में होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फैक्टर्स के रूप में होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल में समझ चुके हैं कि क्या है। फिक्स फैक्टर्स वो है जो उत्पादन प्रारंभ होने के पहले ही जो साधन प्रयोग किए जाते हैं और प्रोडक्शन चेंज होने से ये चेंज नहीं होते। वेरिएबल फैक्टर्स वो हैं जो उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है इन साधनों का प्रयोग किया जाता है और अगर उत्पादन जीरो होता है, कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं, तो इन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। एक्सप्लिसिट फैक्टर्स वो होते हैं जो बाहर से प्रोड्यूसर परचेज करता है, आउटसाइडर्स को पे करता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर के सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं, मींस उसके खुद के अपने साधन होते हैं और जिसको वो बाहर से परचेज नहीं करता है। नाउ वी विल सी एग्जैक्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी मीन द वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी साधन
इनपुट्स मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं उनकी जो वैल्यू है वो उत्पादन की लागत कहलाती है, वैल्यू मींस कीमत। सेकंड डेफिनेशन इज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। ये एक थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन है। इसके अनुसार लागत वो सभी खर्चों का योग होती है या समेशन होती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। मींस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वो सारे खर्च कॉस्ट या लागत कहलाते हैं। द प्रोड्यूसर्स मेक पेमेंट्स टू दीज फैक्टर्स फॉर दीज सर्विसेज। और इसके लिए कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है और प्रोड्यूसर इनकी सर्विस का यूज करने के लिए जो भी कुछ पे करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो अब हम बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लागत के प्रकार। इकोनॉमिक्स में कितने प्रकार की कॉस्ट है। पहला है मॉनेटरी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मौद्रिक लागत, आर्थिक लागत या निजी लागत। और ये मॉनेटरी कॉस्ट में जो कॉस्ट इंक्लूडेड है, शामिल है, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को भी एड करते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों का योग ही मौद्रिक लागत, आर्थिक लागत या निजी लागत कहलाती है। सेकंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला है रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट एंड कॉस्ट बेस्ड ऑन टाइम ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन में लगे समय के आधार पर कॉस्ट दो प्रकार की होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, अल्पकालीन लागत एंड दीर्घकालीन लागत। अब अल्पकाल में जो कॉस्ट होती है उसको दो भाग में डिवाइड किया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन में जो कॉस्ट होती है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उत्पादक के पास थोड़ा सा समय होता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए वो सभी साधनों में परिवर्तन करने के बजाय केवल वेरिएबल फैक्टर्स का यूज करके उत्पादन को बढ़ाता है। तो उन पर जो कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है और फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहती है। लेकिन लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोड्यूसर डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी भी मांग आ रही है उसके हिसाब से प्रोडक्शन प्लांट को चेंज कर देता है, यानी सभी प्रकार के फैक्टर्स और प्रोडक्शन, चाहे वह फिक्स्ड हो अथवा वेरिएबल, परिवर्तन कर सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का संबंध केवल अल्पकाल से है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसके टू टाइप्स हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि समस्त फिक्स फैक्टर्स पर खर्च की जाने वाली लागत, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया कि पर यूनिट कॉस्ट होती है। तो अगर स्थिर लागत को हम पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट भी टू टाइप्स की होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो वेरिएबल फैक्टर्स पर जो टोटल खर्चा किया जाता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, और पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स पर होने वाले खर्च को निकालें तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो ये कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने ये हिंदी में लिखा हुआ है सभी के नाम। इसके अलावा भी कुछ और लागत के प्रकार हैं, जैसे सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। वी विल सी वन बाय वन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। फर्स्ट कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट और मनी कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू हैंसन, द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। मीन्स प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको प्रोड्यूस करने में जो साधन एंगेज्ड हैं उनको मनी के फॉर्म में दी जाने वाली पेमेंट इकोनॉमिक कॉस्ट और मनी कॉस्ट कहलाती है। इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और इस कॉस्ट के अंतर्गत एक फर्म जो पेमेंट करती है वो है पेमेंट टू आउटसाइडर्स हु सप्लाई रिसोर्सेज। ऐसे सभी आउटसाइडर्स को जो फैक्टर प्रोडक्शन को की सप्लाई कर रहे हैं। नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट्स मीन्स ऐसा पेमेंट जो खर्च नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। तो आउटसाइडर को किया जाने वाला पेमेंट प्लस नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स। और ये रिसोर्सेज रॉ मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल के रूप में होंगे, जिसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, एंड रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मशीनरी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के फॉर्म में होंगे, जिसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। इट मींस ये जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके तीन पार्ट हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। और इन तीनों का समेशन इकोनॉमिक कॉस्ट, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाता है। इसे ही प्राइवेट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये सारी कॉस्ट को बियर किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्टोरी में हम इन कॉस्ट को जनरल वे में समझ चुके हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोस कैश पेमेंट्स व्हिच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर के द्वारा
द्वारा आउटसाइडर या बाहर से साधनों को परचेज करने के लिए जो भी पेमेंट किया जाता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत श्रम की मजदूरी, भूमि का लगान, कच्चे माल की लागत, पूंजी का ब्याज, परिवहन कॉस्ट, मीन्स वेजेस, रॉ मटेरियल, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सपेंसेस आते हैं। मीन्स उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों को स्पष्ट रूप से मुद्रा के रूप में दिया गया पुरस्कार स्पष्ट लागत कहलाता है। इसे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। उत्पादक के जो स्वयं के अपने साधन होते हैं उनकी मार्केट रेट पर वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। मीन्स उत्पादक के स्वयं के साधनों के बाजार दर पर पुरस्कार को अस्पष्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसे कहते हैं। एंड सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर उत्पादक स्वयं अपने फर्म में काम कर रहा है एज अ मैनेजर, एज अ वर्कर, और उसके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं जिसको उसे पे नहीं करना है। हमारी स्टोरी में मिस्टर ए की वाइफ एज अ मैनेजर वर्क कर रही थी और उनको पेमेंट नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, रेंट ऑन ओन लैंड, खुद के लैंड का किराया, एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद का पूंजी जो बिजनेस में लगा है उस पर मिलने वाला ब्याज। तो ये एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। किसी वस्तु की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने की लागत। एक्चुअली ये कॉस्ट इस कॉन्सेप्ट के बेस पर दी गई है कि जो फैक्टर प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, वो स्कार्स सीमित है और उनके यूजेस अल्टरनेटिव है। मीन्स मल्टीपल यूजेस है, रिसोर्सेस सीमित है और ह्यूमन वांट मीन्स मनुष्य की आवश्यकताएं या इच्छाएं अनलिमिटेड है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। किसी साधन के अनेक प्रयोग होते हैं और जब वो किसी एक सेक्टर में या एक कंपनी में या एक जगह एम्प्लॉयड हो जाता है तो वह दूसरे जगह जाने के अवसर से वंचित हो जाता है, यानी कि उसे फॉरगोन करना पड़ता है सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को छोड़ने की कॉस्ट ही फर्स्ट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मीन्स अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने की लागत ही वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स दैट रिसोर्सेस यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन कुड हैव प्रोड्यूस्ड। इसको एक एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए एक किसान का लैंड है, उस पर वो राइस का प्रोडक्शन भी कर सकता है एंड सुगर केन गन्ने का उत्पादन भी कर सकता है। ये दो ऑप्शन उसके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब इन दोनों अल्टरनेटिव में से उसे किसी एक विकल्प को चुनना होगा और मान लीजिए राइस के प्रोडक्शन से उसे 20,000 रुपए का प्रोड्यूस मिलेगा एंड सुगर केन का जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसे 25,000 प्राप्त होगा। परंतु इन दोनों में से ही वो किसी एक ऑप्शन को प्रेफरेंस देगा। मान लीजिए उसने राइस का प्रोडक्शन किया तो राइस का प्रोडक्शन करने से उसने गन्ने के उत्पादन करने के अवसर को खो दिया, इस अपॉर्चुनिटी को फॉरगोन कर दिया, मिस कर दिया। तो राइस के प्रोडक्शन की कॉस्ट छोड़ी गई वस्तु गन्ने के उत्पादन की लागत है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस चावल की अवसर लागत 25,000 रुपए होगी क्योंकि इसने सुगर केन जिसके प्रोडक्शन से एक्सपेक्टेड इनकम 25,000 थे इसको छोड़ दिया। इसी तरह अगर ये सुगर केन को ऑप्ट करता है तो सुगर केन या गन्ने के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी छोड़े गई राइस की कॉस्ट, मीन्स 20,000 रुपए। उसने 20,000 रुपए जो वो राइस के प्रोडक्शन से प्राप्त कर सकता था उसको सेक्रीफाइस कर दिया। बट शर्त ये है कि गन्ने और राइस का दोनों का ही प्रोडक्शन सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होना चाहिए, मीन्स दोनों के उत्पादन में उन्ही साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और लेफ्टविच के डेफिनेशन में यही बात है। नेक्स्ट इज रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट दैट हैज मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। रियल कॉस्ट रिफर्स टू द पेन, द डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्वड इन सप्लाइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय देयर ओनर्स। मीन्स किसी वस्तु के उत्पादन में जो भी साधन इन्वॉल्वड है उनको उस वस्तु के उत्पादन में जो पेन, कष्ट, डिस्कम्फर्ट, असुविधा उठानी पड़ रही है और जो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट और त्याग किया जा रहा है उसका कॉस्ट किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने की रियल कॉस्ट कहलाती है। मीन्स वास्तविक लागत का अर्थ उन सभी कष्ट, त्याग और प्रयत्नों से है जो उत्पत्ति के साधन को किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पर्सन ए एंड बी फ्रेंड्स हैं और ए एक कंपनी में काम करता है जिसे एक निश्चित ऑफिस मिला हुआ है और उसमें बैठ करके बेहतर एनवायरनमेंट में उसे काम करना होता है, जबकि बी माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है, मीन्स खनन उद्योग, जहां पर जमीन के नीचे खदानों से ओर्स या अयस्क निकालने होते हैं। तो ए और बी दोनों का इनकम सेम है बट दोनों के ही काम में
डिफरेंस है। बी अपने ओनर को जो सर्विस दे रहा है उसके लिए उसे अधिक मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट करने पड़ रहे हैं, अधिक त्याग करना पड़ रहा है, कष्ट अधिक उठाना पड़ रहा है, तो इसीलिए बी के सर्विस की जो रियल कॉस्ट है वो अधिक होगी बजाय ए, क्योंकि ए बेहतर परिस्थितियों में कार्य कर रहा है जबकि दोनों की मॉनेटरी इनकम सेम है। तो जिस कार्य में जितने अधिक कष्ट और त्याग असुविधा होती है उसकी रियल कॉस्ट उतनी ही अधिक होती है। रियल कॉस्ट का विचार प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, बट कष्ट, त्याग, असुविधा, डिस्कम्फर्ट, पेन साइकोलॉजिकल फैक्टर है और पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इसीलिए इनकी कॉस्ट को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने रियल कॉस्ट की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट, मींस डूबी हुई लागत, कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड बट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड इफ फर्म गोज आउट ऑफ बिजनेस। अगर किसी फर्म के द्वारा बिजनेस छोड़ दिया जाता है, इंडस्ट्री से वो बाहर चली जाती है, तो वो सारी कॉस्ट जिनको वो रिट्राइव नहीं कर सकती, जो रिगेन नहीं कर सकती है, रिकवर नहीं कर सकती, ऐसी सारी कॉस्ट संक कॉस्ट कहलाती। नेक्स्ट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसका एक डिवीजन प्राइवेट और सोशल कॉस्ट के रूप में भी किया जाता है। प्राइवेट कॉस्ट रिफर टू कॉस्ट इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट बॉर्न बाय द प्रोड्यूसर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर एंड नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोड्यूसर बाहरी साधनों को परचेज करने में लगाता है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स का जो कॉस्ट होता है और उसके साथ साथ नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि प्राइवेट कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस प्राइवेट कॉस्ट के अंतर्गत आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल सी सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच एंटायर सोसाइटी हैज टू पे फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो सारी कॉस्ट या वो सारी असुविधा, दिक्कत, समस्या, परेशानियां जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते सोसाइटी को बियर करनी होती है, समाज के लोगों को झेलनी होती है या सोसाइटी को पे करनी होती है, जबकि इन सारी कॉस्ट को उत्पादन की लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब डिटरमाइन करते हैं, मींस ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, एयर पॉल्यूशन, नॉइज, हेल्थ इश्यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, जिनके कारण लोगों को, समाज को अनेक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उनके आसपास रहने वाले निवासियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी विशेष बीमारियां उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हो जाती हैं जिनके इलाज के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर खर्च करना होता है। तो ये भी कॉस्ट है जो समाज, सोसाइटी को पे करनी होती है। तो सोशल कॉस्ट के अंतर्गत आता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। और यही जो खर्च है जो सोसाइटी को पे करने होते हैं, हानियां जिसको कहते हैं, डिस्कम्फर्ट्स, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो किसी भी प्रोडक्ट की सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट मींस ये वाले कॉस्ट को ऐड करने के साथ साथ सोसाइटी को होने वाली हानियों की जो कॉस्ट है उसको भी जोड़ा जाता है। अब प्रेजेंट समय में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी कॉस्टिंग सोशल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स पर की जाती है, यानी कि प्रोड्यूसर के द्वारा डायरेक्टली जो खर्च होता है उसके साथ साथ समाज को जो हानियां होती हैं, सोसाइटी या उधर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो समस्याएं होती हैं उसकी लागत का आकलन गवर्नमेंट करती है और सोशल कॉस्ट निकालती है, और ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है कंपनी से अलग अलग रूपों में प्राप्त करती है और उस एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल्स की बेटरमेंट पर खर्च करती है। जैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार खर्च करती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सरकार प्लांट लगाती है, उस एरिया में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनको शॉर्ट आउट करने के लिए या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हॉस्पिटल्स को अरेंज करती है। तो ये सोशल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में है, निजी लागत वह है जिनको फर्म उत्पादित की जाने वाली वस्तु के उत्पादन तथा कीमत से संबंधित निर्णय लेते समय ध्यान रखते हैं। मींस प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डिसिसिव रोल प्ले करती है जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्टिव क्वांटिटी और कीमत से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेता है। लेकिन सोशल कॉस्ट वो है जो किसी फर्म के द्वारा वहन नहीं की जाती, मतलब अगर इंडस्ट्री इसको पे नहीं करती है वरन सोसाइटी के लोगों के द्वारा पे किया जाता है, और कई बार लाभ भी होते हैं तो उनका योगफल सोशल कॉस्ट कहलाती है। मीन सामाजिक लागत बराबर निजी लागत प्लस बाह्य लागत। कई बार क्या होता है, किसी एक इंडस्ट्री के सेटअप होने से दूसरी इंडस्ट्रीज को लाभ भी प्राप्त हो जाता है, तो दूसरी इंडस्ट्री जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है उसकी अपनी कॉस्ट कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ऑर्चार्ड्स जहां पर होते हैं, तो वहां पर जब फार्मर्स अपने ऑर्चार्ड्स पर फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इसके साथ ही साथ हनी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हनी बीज अट्रैक्ट होती है फ्रूट्स के कारण और इनडायरेक्टली
बेनिफिट मिल जाता है हनी के प्रोड्यूसर्स को। तो कई बार एक इंडस्ट्री के डेवलप होने से दूसरी इंडस्ट्री को लाभ भी मिलता है, तो ये लाभ और हानि जो टोटल होता है उनको जब प्राइवेट कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो वो सामाजिक लागत सोशल कॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड फैक्टर्स पर प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उनकी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट की जो विशेषता होती है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद रेट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप उत्पादन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता। मान लीजिए आपने इंडस्ट्री सेटअप की और उस पे 1,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में, मशीनरी लगा दी, लैंड ले लिया, जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे किया और इस तरीके से उत्पादन स्टार्ट किया और इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो इस फैक्ट्री से आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 20 यूनिट प्रोड्यूस करें या 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, जो एक बार फिक्स्ड फैक्टर्स पर खर्च कर दिया उसको दोबारा नहीं लगाना है। मीन्स जैसे जैसे उत्पादन चेंज होता है फिक्स्ड कॉस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। डू नॉट वेरी सच कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड इवन एट द जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप जीरो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए लगा करके किसी इंडस्ट्री को सेटअप किया और आप उससे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शन है, तो उस केस में भी ये कॉस्ट वहन करनी होगी। ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसको सप्लीमेंट्री पूरक लागत और अनअवॉइडेबल कॉस्ट मीन्स न छोड़ी जाने वाली लागत भी कहते हैं, क्योंकि आप तब तक उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि आप फिक्स्ड फैक्टर्स पर ये खर्च नहीं करेंगे, तो ये सप्लीमेंट्री एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से भी जानी जाती है। जीरो प्रोडक्शन पर भी ये उतनी ही रहती है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये चेंज नहीं होती है, मीन्स उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है तथा फिक्स्ड फैक्टर्स पर व्यय की जाती है। ऐसी सभी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट या स्थिर लागत कहलाती है। स्थिर साधनों को अल्पकाल में बदला नहीं जाता। एक बार और है कि फिक्स्ड कॉस्ट अल्पकाल में ही होती है, मीन्स शॉर्ट रन कॉस्ट है, लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती। तो अगर ये पूछा जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट समय के आधार पर किससे रिलेटेड है, तो ये अल्पकाल से रिलेटेड है, क्योंकि अल्पकाल में ही साधन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, जबकि लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स नहीं होते हैं। एग्जांपल्स कॉस्ट ऑफ मशीनरी, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्ज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये आपको पहले ही खर्च कर देने होते हैं, उसके बाद उत्पादन स्टार्ट होता है। पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक का वेतन, मशीनरी की लागत, संपत्ति कर, भूमि का लगान, बीमा की फीस इत्यादि। जब हम इस कॉस्ट को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। एक्स अक्ष के समानांतर एक पैरेलल लाइन मिलती है, क्योंकि इस अक्ष पर आउटपुट लिया है उत्पादन, वाई एक्सिस पर फिक्स्ड कॉस्ट लिया है। तो मान लीजिए इंडस्ट्री को सेटअप करने में या कंपनी को स्टार्ट करने में फिक्स्ड फैक्टर्स पर ओसी खर्च आया, तो अगर हम कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शन है, तब भी ओसी कॉस्ट आ रही है। अगर प्रोडक्शन यहाँ बढ़ाया जाता है 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, फुल कैपेसिटी मान लीजिए 50 यूनिट की है, तो 50 यूनिट तक हम इससे प्रोडक्शन करते चले जाएंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जीरो प्रोडक्शन पर भी ओसी है, 10 यूनिट पर भी ओसी है, 20 यूनिट पर भी ओसी है, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, इट मींस उत्पादन चेंज होने से ये चेंज नहीं होती है और शून्य उत्पादन पर भी उतनी ही रहती है, तो ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। और इसका कर्व एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है और ये कर्व कहलाता है टीएफसी। यहां पर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाया है कि वस्तु के उत्पादन में जो कुल स्थिर लागत है, तो ये टीएफसी कर्व है। क्वेश्चन आता है कि टीएफसी कर्व का शेप कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू द एक्स। नाउ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट वेरीज विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के घटने और बढ़ने के साथ जो कॉस्ट या लागत घटती और बढ़ती रहती है वो वेरिएबल या परिवर्तनशील लागत कहलाती है। इट इंक्रीजेस एज द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीज एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ आउटपुट। जब फर्म में उत्पादन बढ़ता है तो ये लागत भी बढ़ जाती है और उत्पादन के कम होने से परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, अर्थात शॉर्ट रन में जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है मजदूरों की मजदूरी, कच्चे माल की कीमत, बिजली और ईंधन का प्रयोग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सब वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया जीरो प्रोडक्शन पर ये कॉस्ट जीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो इस केस में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर वीसी और यहाँ पर टोटल आउटपुट या क्यू लेंगे, ये जीरो है। तो अगर कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन शुरू में इसके बढ़ने की दर कम होगी और एक लिमिट के बाद ये
तेजी से ऊपर जाने लगेगी। तो इसका शेप कुछ इन्वर्टेड एस के शेप का होता है, उल्टा एस के जैसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रोडक्शन वाली यूनिट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को पढ़ा होगा, और उस लॉ के कारण जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद फिर तेजी से बढ़ जाती है। अब देखेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स्ड फैक्टर्स पर खर्च किया और जो वेरिएबल फैक्टर्स पर खर्च किया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कर्व के रूप में हम देखते हैं, हमने आपको वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसे बताया है और फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसे बताया है। अब जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो इन दोनों के कर्व को जब एक साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है टोटल कॉस्ट, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट दोनों का समेशन होती है, तो टोटल कॉस्ट कर्व यहां से शुरू होता है जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगा और इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। और ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, एक बात याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जीरो से स्टार्ट होकर के ऊपर जा रहा है, लेकिन टोटल कॉस्ट टीएफसी कर्व से होकर के ऊपर जाता है क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को भी जोड़ दिया गया है। तो इन दोनों के समेशन से हमें ये नया कर्व मिल रहा है, लेकिन इन दोनों कर्व के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, और ये डिफरेंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बताएगा क्योंकि हर लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्स्टेंट है और इसी कारण इन दोनों के बीच में गैप इक्वल होता है। नाउ वी विल सी शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन अल्पकाल में जो कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को हम पहले ही देख चुके हैं, टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, एंड इसको निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट या प्रति इकाई लागत कहते हैं। द एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउट। और इसको निकालते कैसे हैं, टोटल कॉस्ट को कुल उत्पादित होने वाली इकाइयों की संख्या से डिवाइड करने पर जो कॉस्ट आती है वो पर यूनिट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कहलाती है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है AC इक्वल टू TC अपॉन क्यू। एवरेज कॉस्ट दो तरह की होती है, चूंकि शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट भी दो तरह की होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कुल उत्पादन से डिवाइड करेंगे, मीन्स AFC इक्वल टू TFC अपॉन क्यू। तो ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। जब आप इसको प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो इसका शेप नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, मीन्स ये ऊपर से नीचे को गिरता हुआ कर्व होता है AFC कर्व। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन की पूरी प्रोसेस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहता है। हमने इसके पहले देखा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व टीएफसी कर्व पैरेलल लाइन होती है एक्स अक्ष के, मीन्स उत्पादन की लागत उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में किसी फर्म में 10,000 रुपीज लगा करके बिजनेस को सेटअप किया गया और उससे 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 रुपए आएगी। अगर 10 की जगह 50 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो पर यूनिट कॉस्ट 200 रुपए आएगी। इसी की जगह अगर उस प्लांट की मान लीजिए फुल कैपेसिटी 100 यूनिट की है, तो 100 यूनिट फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन लिया गया तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपए आएगी। तो इस तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के स्थिर रहने पर जब केवल उत्पादन बढ़ता है तो पर यूनिट तो AFC घटती चली जाती है, और इसीलिए AFC कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। AFC कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं होता। सेकंड पर यूनिट कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसको कहते हैं AVC। तो हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था TFC प्लस TVC। अगर हम TFC को क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो AFC आ जाता है, और TVC को अगर क्यू से डिवाइड करेंगे तो AVC आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। और जब हम इसको कर्व पर प्लॉट करते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है। स्टार्टिंग में ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, फिर मिनिमम होता है, मिनिमम होने के बाद फिर ऊपर चढ़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो जाता है, और जिसके कारण जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं तो उत्पादन घटने लगता है। तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में नीचे गिर के फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब है यू सेव्ड होता है, यू के आकार का कर्व होता है।
अब एबीसी एंड एएफसी को देखने के बाद हम देखेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हमने पहले ही देखा, एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एबीसी और एएफसी को ज्ञात करने के बाद हम इन दोनों की हेल्प से भी एसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एसी इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी मींस एसी निकालने के लिए टीसी अपॉन क्यू, एबीसी निकालने के लिए टीबीसी अपॉन क्यू प्लस एएफसी निकालने के लिए टीएफसी अपॉन क्यू को लेते हैं और क्यू से टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने पर हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। एसी इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी या एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, किसी भी फॉर्मूले से एसी को निकाल सकते हैं। जब हम एसी पर प्लॉट करते हैं तो इसका कर्व भी ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ उसके बाद मिनिमम होकर के ऊपर को चढ़ता हुआ, मींस इनिशियल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देन गोइंग टू इट्स मिनिमम लेवल, देन इट गोज अप। और ऐसा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण होता है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन कॉस्ट है और शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज किया जाता है, तो शॉर्ट रन में लगातार उत्पादन के साधनों को बढ़ाने से उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ता हुआ मिलता है, उसके बाद मैक्सिमम होकर के फिर गिरने लगता है। और यही रीजन है कि जब उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है तो कॉस्ट घटती है और जब उत्पादन अधिकतम मिलता है तो कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, उसके बाद जब उत्पादन घटती हुई दर से प्राप्त होता है तो कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो ये कर्व भी यू शेप्ड होता है, मींस एएफसी कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जबकि एसी एंड एबीसी कर्व यू शेप्ड होता है, इनिशियल इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और उसके बाद अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। नाउ वी विल सी अनदर शॉर्ट रन कॉस्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल मींस होता है वन एडिशनल यूनिट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इस किसी भी फर्म में जब एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उसके प्रोडक्शन से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इसको निकालने का फॉर्मूला है एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, जहाँ पर ये डेल्टा का सिंबल बताता है चेंज, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का एक ये भी फॉर्मूला है एमसी इक्वल टू टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस वन, जहाँ पर टीसी टोटल कॉस्ट है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड टीसी एन माइनस वन मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट से एक कम यूनिट का उत्पादन करने पर आने वाली टोटल कॉस्ट। मीन्स किसी फर्म का अगर 50 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट 5,000 रुपए है और अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट 51 यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी कॉस्ट 5,200 रुपीज है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, डेल्टा टीसी मींस चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में 200 का चेंज आया इन दोनों का माइनस करने पर, एंड चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में ओनली वन यूनिट का चेंज है, मींस 50 से 51 हो गया, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 200। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे एमसी इक्वल टू टीसी अपॉन एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो 51 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो 51 यूनिट का टोटल कॉस्ट 5,200 एंड टीसी ऑफ एन माइनस वन मीन्स एन 51 है, इससे एक कम यूनिट 50 होगी, तो 50 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट 5,000 और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल 200। इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को प्लॉट करते हैं जब, तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है, मीन्स स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट तेजी से नीचे गिरती है, मिनिमम होकर के तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है, इसका शेप भी यू शेप्ड होता है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होते हैं कुछ कुछ डिफरेंसेस के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट, दीर्घकालीन लागत एंड रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एमसी, एबीसी एंड टीसी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।